अमीन पठान जी का सवाल है मदरसन सुमी के बारे में। इन्होंने अपना सवाल विस्तार से लिखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के व्यू क्या है इस पे? देखिए, अच्छी कंपनी है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, काफी डाइवर्सिफाइड है, यूरोप में काफी ऑपरेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस हैं। और जो चांद साहब ने जो अभी ये कंपनी क्रिएट की पिछले 25-30 सालों में, बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी बनी है, और इन्होंने ग्लोबल एक्विजिशंस भी बहुत किए। मगर अब थोड़ा अच्छी खासी चल चुकी है, 61 रुपए से हमने देखा लगभग चलना शुरू हुआ और 103-104 तक गई। थोड़ा करेक्शन में, एक अगर आप चार्ट देखें तो एक गैप नजर आएगा आपको 86 और 88, 86 और 88 रुपए के बीच में। तो मुझे लगता है कई बार टेक्निकल गैप्स भरने के लिए स्टॉक्स नीचे आते हैं, कंपनी में कोई समस्या नहीं है, तो ये टेक्निकल गैप यहाँ पे भर जाएगा। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो मुझे लगता है 85-86 बहुत अच्छा एंट्री लेवल होगा। अगर आप मुनाफे में बैठे हैं तो एक बार बांध लीजिए और वेट करिए स्लाइड लेंस पे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है ना कि मदरसन सुमी सिर्फ इन्होंने लिखा तो वो मदरसन सुमी सिस्टम्स है, मदरसन सुमी वायर्स है। जी तो जो अभी आपने व्यू दिया वो किस पर था, सिस्टम्स पे या मैंने वायर पे? मदरसन पे दिया है जो 95 के रेट पे है अभी। जी ठीक है, चलिए, मेन कंपनी तो वही है।